फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी ब्रांड के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है और नेचुरल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पैराबेन और सल्फेट फ्री हैं। इस ब्रांड का नाम है दी नेचुरल वॉश, और इसमें आपको काफ़ी प्रोडक्ट रेंज मिल जाएगी, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स इसमें काफ़ी अवेलेबल हैं। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। और यहाँ मैं बात करूंगी पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको मैंने खुद से यूज किया है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो एक हर्बल हैंडमेड सोप है, वो है ओट्स एंड हनी सोप। ये मेरी स्किन को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ये ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है और मेरी स्किन थोड़ा ड्रायर साइड में है। मैं फर्स्ट इम्प्रेशन भी इसका शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस सोप को ओपन किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये इस बॉक्स में आया था और अंदर से भी प्रॉपरली रैप्ड था। मैं पिक्चर आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। और ये जब मैंने खोला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ड्यूल कलर में था, ओट्स एंड हनी का जैसे ये है जो ऊपर आपको कलर दिया गया है उसी टोन में ये था, ड्यूल टोन में था ये, और आपको ओट्स के पार्टिकल्स भी इसमें विजिबल थे। तो जो ओवरऑल लुक एंड फील थी सोप की वो मुझे काफ़ी पसंद आई। और अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में किसी को नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स का शौक है तो आप उनको एज अ गिफ्ट भी ये दे सकते हैं। मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था, पर जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ओट्स एंड हनी हैं, जैसे कि नाम डिपिक्ट कर ही रहा है। और ओट्स के बेनिफिट्स तो हम सब जानते ही हैं कि ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी ड्राई स्किन को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग डेड स्किन सेल्स। एंड जो नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है वो हनी है, वो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, और जो हनी है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी उसमें होती हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन टैनिंग एंड पिगमेंटेशन। और पर जो ओवरऑल मैंने इसको यूज़ किया है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि अभी विंटर्स हैं तो स्किन थोड़ा और ड्राई फील करती है, थोड़ा आपको खिंचाव फील होता है स्किन में, तो वो प्रॉब्लम मेरी इस सोप को यूज़ करने से सॉल्व हुई है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है पर्सनली, तो मैं ये आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। जो हनी के बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने फील किए हैं, काफ़ी मॉइस्चराइज्ड और स्मूथ फील होता है आपको, बहुत सूदिंग लगती है आपको स्किन इसको यूज़ करने के बाद। मुझे ये ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी हाइड्रेटेड फील होता है इसको यूज़ करने के बाद। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और इसका बेनिफिट ये है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ये है एवोकाडो बॉडी मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो एवोकाडो है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल, शिया बटर, विटामिन ई, वीट जर्म ऑयल, तो सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। पहले तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी। इसकी दो कैप्स दी हुई हैं, पहली तो ये कैप है, सेकंड कैप यहाँ पे भी दिया हुआ है पंप के पास, तो इसको ये ट्रैवल फ्रेंडली बनाता है। और इसको भी आप क्लोज कर लीजिए, ये प्रॉपरली क्लोज हो जाता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी बात। सेकंड जो पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा है पॉइंट कि जो इसका नोजल दिया हुआ है पंप का, उस वो नोजल बहुत फाइन नोजल दिया हुआ है। जितना प्रोडक्ट आपको रिक्वायर्ड है उतना प्रोडक्ट ही निकलेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल के आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है। मैं आपको इसका फॉर्म दिखा देती हूँ लोशन का। तो ये कुछ इस फॉर्म में है और काफ़ी स्मूथ फील होता है इसको अप्लाई करने के बाद, और पूरा दिन हाइड्रेटेड रहता है, और बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। ये मुझे बाकी लोशंस के कंपैरेटिव क्यों ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और मैं कोई भी ड्राई स्किन लोशन लेती हूँ और अप्लाई करती हूँ तो मुझे काफ़ी ऑयली फील होता है, जो इसमें मुझे नहीं हुआ है। मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन से लेके अब तक मुझे ये काफ़ी पसंद आया, और एक बार में मुझे ऐसे ऑयली फीलिंग नहीं आई है उसमें, बट पूरा दिन स्किन पूरी मॉइस्चराइज रही है और काफ़ी अच्छा लगा है, और जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी वो भी मेरी इसमें सॉल्व हो गई है। तो मुझे बेसिकली ये दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं।
मैं इन प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और इस ब्रांड का जो वेबसाइट लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, आपको काफी रेंज मिल जाएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और मेरे चैनल पर गिव अवे भी चल रहा है, गिव अवे की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगी, आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।